इंटर्नशिप से फ्री हुआ ना, तो मेरे पास कुछ फ्री टाइम था जिसमें मैंने इनेबलर्स को एक्सप्लोर भी किया और स्पेशली सर साकिब अज़हर साहब की एक वीडियो देखी। आसान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है। क्लाइंट को कन्विंस किस तरह करना होता है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल से। आपके पास नॉलेज तो है, लेकिन आप अगले को कन्वे नहीं कर पा रहे। आपके पास क्लाइंट तो आ जाता है, लेकिन आपके पास वो स्किल नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? उसकी इन्वेस्टमेंट भी खराब करेंगे और अपना भी टाइम वेस्ट करेंगे। एवरेज मंथली अर्निंग की बात करूँ तो 130,000 प्लस मैं अर्न कर रहा हूँ। यही फील्ड नहीं, आप किसी भी फील्ड में देखें ना, तो आपको एवरेज में थोड़ा टाइम लगता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा ही ऐसी स्टोरीज़ आपके सामने लेके आते हैं जिसमें स्ट्रगल भी होती है और कुछ लर्निंग पॉइंट्स भी होते हैं। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ये बुनियादी तौर पे तो अपना एक फैमिली बिज़नेस देख रहे थे, केटरिंग का जो बिज़नेस था, लेकिन इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सोचा कि क्यों ना ये ई कॉमर्स में आएँ और जो मॉडर्न इनोवेटिव वेज़ ऑफ लर्निंग है उनको सीख के अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने की कोशिश करें। हम इनसे जानेंगे कि ये ई कॉमर्स में क्यों आए। हालांकि इन्होंने होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया था और फैमिली बिज़नेस को देख रहे थे, लेकिन फिर ये ई कॉमर्स में क्यों आए, कैसे आए, और वो इनका सारा सफ़र और एक्सपीरियंस कैसा रहा, और ये लोगों को क्या रेकमेंड करते हैं कि वो ट्रेडिशनल बिज़नेस की तरफ रहें या वो भी ई कॉमर्स की तरफ स्विच करें, और इसके क्या बेनिफिट्स इन्होंने अपनी ज़िंदगी में पाए और लोग क्या बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद बिलाल साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद बिलाल साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने कैसे सोचा कि मैं ई कॉमर्स में आऊँ, कहाँ से ये सोच आई आपके जहन में? फेसबुक पे देखा, कोई एडवर्टाइजमेंट देखी, या अपने अंदर ही ये चीज़ थी कि मैं कोई इनोवेटिव वेज ऑफ अर्निंग की तरफ जाऊँ? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले फैमिली बिज़नेस अपना रन कर रहा था, वाले साहब के साथ रन कर रहा था, और उसके दौरान ही मैंने होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया। सर, इंटर्नशिप जब मैं कर रहा था ना, तो मैंने इनेबलर्स के कुछ पेज फॉलो किए थे, ठीक है। स्क्रॉल डाउन पर देखता था कि किस तरह से काम हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन उस टाइम कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन जब इंटर्नशिप से फ्री हुआ ना, तो मेरे पास कुछ फ्री टाइम था जिसमें मैंने इनेबलर्स को एक्सप्लोर भी किया और स्पेशली सर साकिब अज़हर साहब की एक वीडियो देखी, जिसमें मुझे क्लियर पता चला अमेज़ॉन क्या है, इस पर काम किस तरह से करते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट कौन लोग हैं, किस तरह से अर्निंग करते हैं। सही। तो इसके साथ साथ मैंने EVS भी देखी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे इनरोल करना चाहिए और सीखना चाहिए एक प्रॉपर फील्ड में, क्योंकि जब मैं इस चीज़ को एक्सप्लोर करता था ना, मुझे इस तरह की वाइब्स आ रही थी कि यार मेरा फ्यूचर इसी फील्ड में है। सही। ठीक। और जब मैंने इनरोल किया, जर्नी मेरा तब से स्टार्ट हुआ था कि मैंने कोर्स में इनरोल किया। इनरोल करने के बाद से जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई, क्लासेस के टाइम से जो हमारा सही जर्नी स्टार्ट हुआ वो तब से स्टार्ट हुआ कि जब हमें मेंटोर सिखा रहे होते थे और हम वीकली जो अपनी असाइनमेंट वो कंप्लीट करते थे, तो उसमें जो मेरी प्रोग्रेस हुई है ना, वो सही प्रोग्रेस हुई है। वो इस तरह से है कि हमारी क्लास होती थी प्रोग्रेसिंग की, वैसे अगर आप वीडियो देखते रहें तो आपको इतनी नहीं समझ लगती, समझ आपको आती है, क्योंकि कोर्स में भी वही सिखाया जाता है और वीडियोस में भी वही है। कोर्स में इनरोल करने का ये फ़ायदा मुझे हुआ कि मुझे वीकली जो असाइनमेंट दी जाती थी ना, कि जैसे आज प्रोडक्ट हंटिंग का लेक्चर हुआ है, नेक्स्ट वीक प्रोडक्ट सोर्सिंग की मेरी क्लास है, तो इन बिटवीन जो असाइनमेंट मिली है ना, वो प्रेशर होता था कि मैंने वो असाइनमेंट कम्प्लीट करनी है। वो कम्प्लीट करके जब सबमिट करवाते थे ना, उसमें सही आपकी ग्रूमिंग होती है। सर, मुझे ये बताएं कि आप दोनों में काम कर रहे हैं, यानी प्राइवेट लेबल बिज़नेस में भी और होलसेल बिज़नेस में भी, तो इसमें से ज़्यादा आसान किसकी सर्विसेज देना है? सर, आसान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी एक्सपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। सही। मेरी मेन एक्सपर्टीज़ हैं वो प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट वैल्यूएशन और प्री लॉन्च स्ट्रेटजीज़ हैं। बेसिकली मैंने जो कोर्स किया वो प्राइवेट लेबल का कोर्स किया, लेकिन मैं प्राइवेट लेबल की सर्विसेज दे रहा था, तो मुझे उसी क्लाइंट ने जिनको मैं सर्विसेज दे रहा था, उन्होंने ही मुझे कहा कि आप होलसेल बिज़नेस क्यों नहीं करते। सही। तो वहीं से फिर मुझे होलसेल का भी आइडिया मिला, मैंने कहा कुछ होलसेल की तरफ भी आया जाए। फिर होलसेल को सीखा, उस पर ग्रिप किया, अपने मेंटोर से, अपने सीनियर से गाइडेंस ली, और उस बिज़नेस को भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सक्सेसफुल रन कर रहा हूँ उनका, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा उसमें से लेके जा रहे हैं। सर, प्रोडक्ट हंटिंग की अगर हम बात करें, बहुत सारे लोगों को ये मुश्किल लगती है, यहाँ पर स्टक भी होते हैं, आपको ये मुश्किल लगी, आसान लगी, और स्किल्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं इसमें? सर, प्रोडक्ट हंटिंग की अगर मैं बात करूँ ना, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये एक डिफ़िकल्ट स्किल है, क्योंकि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ उसी मेन स्टेप पे होती है, और ये इनिशियल स्टेप है। इस पे काफ़ी लोग स्टक हो जाते हैं कि जब वो आते हैं प्रोडक्ट हंटिंग, क्योंकि मेन स्टेप है और इनिशियल स्टेप है,
वो देखते हैं यार महीना लग रहा है आपको प्रोडक्ट हंटिंग पे, दो महीने प्रोडक्ट नहीं मिल रही, वो स्टक हो जाते हैं और फिर कहते हैं नहीं यार इसमें फील्ड नहीं। सर इसमें बेसिकली क्या आप उसी साइकिल पे लगे रहते हैं, किस तरह से हमने प्रोडक्ट निकालनी, हीलियम 10 यूज़ कर ली, जंगल स्काउट, बस इसी के दरमियान घूमते रहते हैं। तो मैंने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचा कि जहाँ से हम सोर्सिंग कर रहे हैं वहाँ से क्यों ना प्रोडक्ट हंटिंग की जाए, कि आपका पहला स्टेप आता है प्रोडक्ट हंटिंग, उसके बाद सोर्सिंग आता है। क्यों ना जहाँ से सोर्सिंग कर रहे हैं, अलीबाबा, मेड इन चाइना, DHgate, 1618, इन वेबसाइट के थ्रू हम लेके आए अमेज़न पे प्रोडक्ट जो कि हमने बाद में लेके आनी, हम वो पहले प्रोडक्ट सर्च करें वहाँ से और फिर यहाँ पर लॉन्च करके देखें। सही, ठीक है, मार्केट में वो प्रोडक्ट निकालें। तो बेसिकली हम अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो मेन एक्सपर्टीज़ है वो है प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट रिसर्च, तो इनमें मुझे तो मुश्किल नहीं आई। और न्यू बीज को भी मैं कुछ इस तरह की टेक्निक्स बता रहा हूँ कि जिससे उनको भी इसमें मुश्किल नहीं पेश आती। सर पहले मुझे ये बताइएगा कि स्किल्स कौन से हैं जो आपके ख्याल में आपकी सक्सेस की वजह बने। सर स्किल्स की अगर मैं बात करूँ ना, सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि जब आप सारी स्किल्स सीख लेते हैं ना, आपने क्लाइंट को कन्विंस किस तरह करना होता है अपनी कम्युनिकेशन स्किल से। ठीक है, आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए अपने आप को, जो आपके अंदर नॉलेज है उसको आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए कि आपके पास नॉलेज तो है लेकिन आप अगले को कन्वे नहीं कर पा रहे, तो किस तरह से आप करेंगे। आपको मेन जो है ना अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करना चाहिए। उसके साथ साथ सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं, अपनी जो मेन स्किल्स हैं जैसे आपकी सर्विस प्रोवाइडिंग स्किल है, आपको उस पर भी फोकस होना, उस पर पूरी ग्रिप होनी चाहिए। आपके पास क्लाइंट तो आ जाता है लेकिन आपके पास वो स्किल नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, उसकी इन्वेस्टमेंट भी ख़राब करेंगे और अपना भी टाइम वेस्ट करेंगे। इसका बेहतरीन है कि सबसे पहले आपकी अपनी जो मेन स्किल है उन पर ग्रिप हो, उसके बाद आप कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ आएँ और फिर क्लाइंट ग्रैबिंग की तरफ आएँ, तो इंशाल्लाह आप कभी स्ट्रक नहीं होंगे। सर आपकी एवरेज मंथली अर्निंग इस वक्त कितनी है? सर एवरेज मंथली अर्निंग की बात करूँ तो 130,000 प्लस मैं अर्न कर रहा हूँ इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब कुछ जो है इससे पहले कुछ नहीं था, इनेबलर्स में आने से पहले। तो एक कोर्स सीखने के बाद, कोर्स सीखने एक मंथ तक मैं कुछ नहीं था कमा रहा, ढाई महीने का हमारा कोर्स हुआ था, उसके बाद एक महीना मैंने अपनी स्किल्स पे ग्रिप हासिल की, उसके दौरान मेरी कोई अर्निंग नहीं थी और उसके बाद मेरी फिर अर्निंग स्टार्ट हुई जब मुझे पहले क्लाइंट मिले। अच्छा, एवरेज कितना वक्त लगता है जब आप कोई भी कोर्स करते हैं तो उस फेज से अर्निंग के फेज में आने तक एवरेज कितना वक्त लगता है? सिर्फ यही फील्ड नहीं, आप किसी भी फील्ड में देखें ना तो आपको एवरेज में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, अगर आपको क्लाइंट नहीं मिल रहे और आपकी अर्निंग नहीं हो रही तो आपको ज़्यादा काम करना चाहिए, अगर मिल गए तो और ज़्यादा काम करना चाहिए। तो एवरेज टाइम है ना जो आपको इस फील्ड में देना चाहिए, सर मैंने 18 से 20 घंटे भी दिए हैं और ऐसा ऐसा टाइम भी है कि मैंने 24 घंटे मुसलसल जाग के फिर अगले 24 घंटे भी उस चीज़ को कवर किया और फिर मुझे कुछ स्ट्रेस का टाइम मिला है। तो स्टार्टिंग पे तो आपको टाइम लगता है और अच्छा खासा टाइम लगता है, तो मेरा ख्याल है स्टार्टिंग पे आपको अर्निंग से ज़्यादा लर्निंग पर फोकस रखना चाहिए कि आपकी लर्निंग होगी ना आपको हर तरह से ग्रिप होगी। इवन कि मेरा जब क्लाइंट के साथ इंटरव्यू होता था ना, तो अकाउंट क्रिएशन मेरी मेन स्किल नहीं है ना, मुझे इस चीज़ का नॉलेज था, तो इसके बारे में भी मैंने नॉलेज लिया कि अकाउंट क्रिएट किस तरह से होता है, क्योंकि जब आपको कोई इन्वेस्टर मिलता है ना उसका सबसे पहला क्वेश्चन ही होता है यार मैं अकाउंट बनाऊंगा किस तरह, उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो आपको मेन उसकी तरफ भी आना चाहिए आउट ऑफ द बॉक्स, ये नहीं कि आपको जो एक लूप चल रही है प्रोडक्ट हंटिंग, रिसर्च और उसके बाद से लेके PPC तक, इसके दरमियान ही रहना चाहिए। आपको आउट ऑफ द बॉक्स जो स्किल्स हैं दूसरी उन पर भी फोकस करना चाहिए कि आपको नॉलेज होना चाहिए कि इस फील्ड में मैं आया हूँ तो मुझे क्या क्या ऐसा नॉलेज मेरे पास हो कि मैं क्लाइंट कहीं से कुछ पूछ ले तो मैं स्टक ना हो जाऊँ, कि मैं ये ना कहूँ कि मैं यार कहाँ से इसका आंसर करूँ या किसी को अटैच करूँ कि यार आप आंसर करें इसका। तो आपको टाइम तो लगता है लेकिन टाइम के साथ साथ जब आपकी ग्रूमिंग हो रही होती है ना, तो फिर आपका ध्यान स्किल फोकस की तरफ रहता है। ठीक है, स्किल पर फोकस होता है आपका। अच्छा, मुझे ये बताइएगा इनेबलर्स का ओवरऑल एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा और आपकी सक्सेस में उनकी सपोर्ट का कितना रोल है? सर जहाँ तक बात करूँ इनेबलर्स की, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जहाँ पे हूँ सिर्फ इनेबलर्स की बदौलत हूँ। इनेबलर्स की बदौलत इस तरह कि इससे पहले मैं ना कन्फ्यूज़ था, मुझे लिटरली बताऊँ कुछ नहीं था पता चलती यार मैंने मेन जाना किस तरफ है। मेरी मेहनत तो मैं कर रहा था लेकिन मुझे ये नहीं था पता चल रहा कि मेरी मेन लाइन कौन सी और मैंने किस फील्ड में आगे ग्रो करना है। इवन कि हमारा फैमिली बिजनेस भी था लेकिन उसमें भी मुझे कुछ इस तरह की डिफ़िकल्टीज आ रही थी कि मुझे कुछ सोल्यूशन नहीं नज़र आ रहे थे। तो इनेबलर्स की तरफ जब मैं आऊँ ना, तो सर सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, मेंटोर सपोर्ट बहुत है। ये नहीं कि आपके मेंटोर हैं तो सिर्फ आपको ही सपोर्ट करें, ठीक है, आप
कोई भी मेंटोर आपको नजर आए ना, आप उनके पास जाएं, वो आपको सपोर्ट करेंगे। और इवन के सपोर्ट करने के बाद आप दोबारा उनसे कभी मिलेंगे तो आपसे ये भी पूछते हैं कि यार आप फलां टाइम मेरे पास आए थे और आपने कहा वो काम हो गया, इवन की इतनी सपोर्ट होती है। सपोर्ट इस तरह के मुझे फर्स्ट क्लाइंट मिले ना तो फिर उनको कन्विंस तो मैंने कर लिया, लेकिन मुझे थोड़ा था कि काम मैनेज किस तरह करूँ, क्योंकि मुझे पहले कभी मैंने काम किया नहीं था। स्किल पर तो ग्रिप थी मेरी और बाकी चीज़ें भी मुझे पता था किस तरह से होती हैं, लेकिन कभी प्रैक्टिकल वर्क नहीं था किया। तो मैं अपने मेंटोर के पास गया, मेंटोर से मैंने पूछा कि उनसे डिस्कस किया कि किस तरह ले चलूँ, तो स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से उन्होंने गाइड किया अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आज। इनेबलर्स का एनवायरनमेंट आपको कैसा लगता है? इनेबलर्स का एनवायरनमेंट कह लें बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट है, ठीक है, आपको कहीं पर स्टक नहीं होने देते। इवन कि आपको किसी स्किल में मसला आ रहा है ना, आपको वो स्किल सिखाई जाती है और आप किसी और स्किल को भी करना चाहते हैं ना तो उसकी तरफ भी आपको, काफ़ी लोग होते हैं प्राइवेट लेवल की जो कोर्स है वो उसमें इनरोल करते हैं लेकिन साथ दूसरा भी सीख लेते हैं, लेकिन जब वो बाद में प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं उनको लगता है यार प्राइवेट लेवल हमारी स्किल नहीं है, होलसेल की तरफ आना चाहते हैं, तो होलसेल जब वो सीखते हैं तो उसमें हो जाते हैं। तो ये मेंटोर सपोर्ट के साथ साथ ही है। इवन कि मैंने कोर्स करने के एक माह बाद वर्क भी ज्वाइन करी था जो इनकी कोवर्किंग स्पेस है, तो सर वहाँ पर मेंटोर सपोर्ट बहुत ज़्यादा है कि वहाँ पर इस तरह से है कि सब लोग जो काम कर रहे थे ना वो प्रैक्टिकल वर्क है, ठीक है, जिनको प्राइवेट लेवल नहीं समझ आती वो वहाँ होलसेल सीख लें तो वहाँ पर ग्रिप कर लेते हैं। और जो चीज़ आप खुद से अगर सीखें घर बैठ के, जो आपको 2.5-3 महीने लगते हैं वह वर्क में अगर आप बैठ के सीखते हैं, इस चीज़ को मैंने खुद भी देखा है कि आपको 1 महीना लगता है। इवन के कुछ न्यू भी आते हैं उनको जब मैं सिखा रहा होता हूँ ना तो EVS खाली देख के आए होते हैं, लेकिन उनको जब मैं सिखा रहा होता हूँ ना, उनको टेक्निक्स कुछ बता रहा होता हूँ तो मैं देखता हूँ बड़ी स्पीडली ग्रो करते हैं। सर जो लोग आना चाहते हैं ई-कॉमर्स में, एक तो वो अपने अंदर 2-3 टॉप स्किल्स कौन से डेवलप करें, और बाकी इसके अलावा आप क्या उन्हें टिप्स देंगे कि वो किस तरह से आके अपने काम का आगाज़ करें और इसमें आगे एक्सेल करें? सर देखिए, जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है कि यार हम भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो मेरा सबसे पहला मशवरा होता है कि पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है, और आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये दो चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों के साथ आप इस फील्ड में एंटर हो जाएँ। उसके बाद फिर उनको मैं गाइड करता हूँ, यार अब देखें आप ये देखें आपका प्राइवेट लेबल को एक्सप्लोर करें, होलसेल को एक्सप्लोर करें, किस फील्ड में आपको ज़्यादा आपको लगता है कि मैं इस फील्ड में ग्रो कर सकता हूँ। समझे दोनों को, आपको नॉलेज दोनों चीज़ों को आना चाहिए, लेकिन अपनी मेन स्किल कोई एक बना लें और उन किसी एक स्किल में भी कोई ऐसे स्किल पकड़ लें जिस पे सबसे ज़्यादा आपको ग्रिप हो और उसमें आपको कोई बीट ना कर सके। ठीक सर, साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो लोगों को एनेबल करना चाहते हैं, उनके विज़न को, उनकी थिंकिंग को और उनके काम को जो वो मुसलसल एक जद्दोजहद कर रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं? साकिब अज़हर साहब का जो मिशन है ना वो यही मिशन है कि आप दूसरों को एनेबल करें। तो हमारे साथ जब भी उनके मीटअप्स हुए हैं ना तो इसमें उन्होंने यही आगे कहा कि आप जो न्यूबीज़ हैं उनको इनेबल करें। और इस चीज़ को मैंने खुद देखा है कि मैं भी जब न्यूबी था मुझे भी गाइडेंस मिलती रही थी उन्हें और मुझे आज इधर तक बनाया है उसी गाइडेंस की वजह से, मैं गाइडेंस की वजह से यहाँ पे हूँ और मैं भी उसी मिशन को लेकर आगे चलता हूँ कि न्यूबीज़ को गाइड करते रहना, उनको बताना कि यार आप भी किस तरह से अर्निंग की तरफ आ सकते हैं, लर्निंग तो कर रहे हैं लर्निंग के साथ साथ अर्निंग की तरफ किधर आ सकते हैं। सर अभी अगर मैं किसी डिग्री करके या किसी जगह जॉब करता तो शायद मैं इतनी अर्निंग ना कर रहा होता, और मेंटली सेटिस्फेक्शन ये आपकी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इस फील्ड में आने के बाद जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है ना ये बहुत ज़्यादा मुझे मिली है, और यही साकिब साहब का मिशन है और एम है कि आप खुद भी ग्रो करें और अपने साथ दूसरों को भी लेके ग्रो करें। सर फ्यूचर में आपने क्या प्लान किया हुआ है, क्या आप प्राइवेट लेबल में आना चाहते हैं होलसेल में या एज अ सर्विस प्रोवाइडर ही अपने काम को कंटिन्यू करेंगे, क्या प्लान है, क्या गोल सेट किया हुआ है? सर गोल सेटिंग तो मेरी ये है कि अभी तो मैं क्लाइंट्स के अकाउंट हैंडल कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह जल्द ही मैं कुछ प्राइवेट लेबल की तरफ अपना प्राइवेट लेबल बिज़नेस ही स्टार्ट करूँगा कि मैं सर्विसेज भी दे रहूँगा और प्राइवेट लेबल बिज़नेस खुद का भी स्टार्ट करूँगा, अपना ब्रांड लॉन्च कर लूँगा ये। और साथ साथ अब मैं टीम डेवलपिंग की तरफ भी आ रहा हूँ कि मेरे साथ कुछ ऐसे लोग जुड़ जाएँ जो इनके पास लर्निंग तो है, स्किल भी है, ठीक है, लेकिन उनके पास अभी अर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, तो उनको मैं अपने साथ अटैच करके कि उनका भी प्रोसेस स्टार्ट हो और मेरा भी काम जो है बर्डन कम हो मुझ पे काम का, और ताकि उन तक भी काम हो।
थैंक यू सो मच मोहम्मद बिलाल साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ख़ास तौर पे दो चीज़ों पे इनका बहुत ज़्यादा फोकस था कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं ई कॉमर्स में, तो स्टार्ट में थोड़ा पेशेंस और लर्निंग एटीट्यूड वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस पर अमल करते हैं और उस पर अपना ध्यान रखते हैं, फोकस रखते हैं, तो यकीनन एक दिन आप कामयाब हो जाएंगे और आप भी ई कॉमर्स की सक्सेस स्टोरी बन के इस कुर्सी पर बैठ सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।